सब रोज रात दिन सुबह शाम मैंने ये करना है, मैं ये पढ़ूंगा, मैं ये बनूंगा, शादी करूंगा, मेरे बच्चे, सारी जिंदगी का महवर मैं होता हूँ, मेरी जिंदगी में इमाम कहाँ है, मेरे शब रोज में इमाम कहाँ है। 24 घंटे की दुआओं और मुनाजात में कभी कोई लम्हा ऐसा, कोई वक्त ऐसा निकाला है मैंने कि जब मैं खालिसतन अपने इमाम से गुफ्तगू करूँ, मैं इमाम से गुफ्तगू करूँ। और मैं शायद एक और चीज़ बताऊँ, इसी आयत के ज़हर में रिवायत मौजूद है कि जब भी तुम्हें कोई तकलीफ हो ना, जब कोई परेशानी हो, तो हम आले मोहम्मद को वसीला दो। दुनिया के पीरों फकीरों के दरवाज़ों पर गाड़ियाँ लेके जाते हो, कभी वक्त के इमाम के सामने बैठ कर अपनी हाजत बयान की है? तो ऐ तवस्सुल पढ़ते हो जो आखिर में इमाम से गुफ्तगू होती है, कभी इस यकीन के साथ इमाम से गुफ्तगू की है कि वो मेरी बात को सुन रहे हैं, वो मेरी बात को जानते हैं। और आपको याद होगा पिछले साल मैंने बड़ा खूबसूरत तोहफा दिया था, मैं खुद उस पर अमल करता हूँ कि जब सुबह होती है ना, सबसे पहले आँख खुलती है, सबसे पहले सलाम अपने बाप के इमाम को दिया था। मैंने अपनी आदत में शामिल करने की कोशिश करता हूँ, जब भी मेरी आँख खुलती है बगैर किसी चीज़ को सोचे, मैं सबसे पहले अपने वक्त के इमाम को सलाम करता हूँ। और किस अंदाज से करना है जब आप उठते हैं ना, लेकिन ये यकीन होना चाहिए कि आप पाकी की हालत में, ऐसी हालत में नहीं है कि आपका गुस्ल वाजिब है, नहीं, ये यकीन होना चाहिए। अगर आप पाकी की हालत में उठे हैं ना, तो फौरन कहें अल्लाहुम्मा बल्लिग़ सलामी इला इमामी, मेरे अल्लाह मेरा सुबह को सलाम मेरे वक्त के इमाम तक पहुँचा। और फिर क्या कहो, ऐसे हाथ रखा करो ना सर पे, हाथ और अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह, अस्सलाम अलैका या बकीयत अल्लाह, ऐ अल्लाह के वली तुझ पर मेरा सलाम हो। मैं कहता हूँ जब तुम्हारी सुबह का आगाज़ वक्त के इमाम पर सलाम के जरिए होगा ना, जिस दिन हमारी मारिफत बुलंदियों को जाएगी और उधर से जवाब आएगा, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी गुजारने के सलीके बदल जाएंगे। वक्त के इमाम को कभी फरामोश नहीं करें, अपने वक्त के इमाम के लिए वक्त निकालें, वो भी पर्दा गैर में बैठ कर हुसैन की मजलूमियत में आंसू आ रहा है, वो भी इंतज़ार कर रहा है इसमें ज़हूर मिले, दुनिया में जाकर अपने नवाबों से पूछूं तो सही, इस हर 4 साल की मासूमा को वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है उस वक्त का, मेरे अल्लाह मुझे इसने ज़रूर दुनिया में जा उस बदबा से पूछूं तो सही कि तुमने अपने नजिस हाथ में ज़ैनब जैसी पाक और पाहिर बीवी का चादर का पल्लू लिया तू है, तूने चादर को अपने हाथ में लिया कैसे? अगर तुम तो इमाम अपनी शिद्दत से याद कर रहा है, तुम भी अपने इमाम को याद किया करो। वक्त है करबला में एक वक्त हुसैन के ऐसा था, जब हुसैन ने आपको याद किया ऐसा, वो कौन सा वक्त था? आज 7 मुहर्रम है ना, हमारे बच्चे बच्चे जानते हैं, आज 7 मुहर्रम को करबला वालों पे पानी बंद हो गया था, जब पानी नहीं मिलता था हर एक को प्यास लगती है, हर एक को प्यास लगती है, लेकिन जितना प्यास का असर बच्चों पे होता है ना, और किसी पे नहीं होता। करबला में नबी भी थे, जौन भी थे, हुसैन मौला भी थे, सब को प्यास थी, लेकिन जितना प्यास का एहसास अली असगर को था, इतना प्यासा और कोई नहीं था। घर में भी रोज़ा रखा हो ना बच्चों ने, जब शाम को रोज़ा इफ्तार होता है तो सबसे पहले बच्चों को पानी मिलता है, और बाद कहा जब बहुत छोटा बच्चा होता है वहाँ रोज़ा रखती है, वहाँ रोज़ा रखवाती है नाबालिग बच्चे को, और 12 बजे पानी का गिलास लेके देती है, बेटा तेरे जैसे बच्चों का रोज़ा 12 बजे तक होता है, क्यों? उसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा ये मासूम बच्चा प्यासा रहे, उसके खुश लबों को वो देख नहीं सकती। मैं कहता हूँ अल्लाह जाने असगर की वो हालत बर्बाद कैसे रहती हो जब झूले में तड़पता हो, और कौन सा वक्त था जब ये मजलूम अपने पंगूड़े के अंदर अपने आराम की जगह पे तड़पा है। अंदाजा वो जी तक अभी जब इमाम ने दश्त करबला में कहा था हर में नासिर यंसुर ना, कोई है जो मुझे हुसैन की मदद करे, हर में और शायद वो मुश्किल वक्त था मौला पर, उस वक्त
हमारे हम तक पैगाम पहुंचाया गए तक हम फिर यौम में आशूरा जमीन अंतर जरूर शीरो यही समझो ये मौला आपसे गुफ्तगु कर रहे हैं आपको रोने का लुत्फ आएगा आपकी रूहानियत में इजाफा होगा एक लम्हे के लिए समझिए मौला ये बात आपसे कर रहे हैं इमाम अल्लाह का लई तक हम यौम में आशूरा जमी अंतर जरूरी है मेरे शियो ऐ तुम सारे आकाश पर बना में होते तन जरूर भी तुम देखते मौला हम पर बना में क्या करते मौला ने कहा तुम सिर्फ इतना देख लेते कि फास तस्कीन बिफरी मैं असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा हूँ मैं उनसे रहन भी न फिर कर रहा हूँ Okay.
Yeah.